60 feet. ये उस पर लगा हुआ। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। हेलो हेलो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hi, can I have one medium double double? Sure, that's all. And can I also have 4 old fashioned Timbits? 4 old fashioned Timbits? Yeah. Sure, that's all. Yeah. Okay, thank you. Assalamu alaikum dosto, welcome back to another video. और हम पहुंच गए हैं बल्कबान। ये देखिए, ये जो पूरा जो प्लाजा देख रहे हैं ना, ये पूरा प्लाजा एक्चुअली में इन सारे दुकानों के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कस्टमर्स आते हैं वो इसके लिए, वॉलमार्ट, क्योंकि वॉलमार्ट जो है ये सारे छोटे छोटे बिजनेसेस को खा लिया। अब मुझको ऐसा लग रहा है कि ये वॉलमार्ट बल्कबान को भी खा लेगा, लेकिन इससे पहले कि ये इस बिज़नेस को खा ले, मैं सोचा कि आप लोग को इसका टूर दे दूँ। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिलती है इसके अंदर, हर चीज़ बल्क क्वान्टिटी में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं बल्कबान। यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सट्रीम बल्क क्वांटिटी में मिलती है। ये देखो, ये क्या है, प्रलीन, इसका तो नाम भी नहीं सुना, लेकिन इसकी क्वांटिटी देखो कितनी है। हर चीज़ बल्क, ऐसा इसका नाम है। ये क्या है, वर्जीनिया पीनट्स, ये भी आखिरी क्वांटिटी, और हर चीज़ सस्ती भी है। ये देखो, सिर्फ $1 में 100 ग्राम। उसके अलावा इधर देखो कितने टाइप के चॉकलेट्स हैं। ये कौन सा है, जम्बो चॉकलेट, वाइट मोल्डिंग चॉकलेट, ये कई सारे लोगों को पसंद आता है, ये वाला वाइट चॉकलेट। और क्या क्या है यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें। ये तो चॉकलेट्स हो गया, ये दिखा दिए, इसमें ये क्या है, ये तो गम, इसमें जेलेटिन होगा। इस तरह के डब्बे हैं, डब्बों में भर लो, या कम क्वांटिटी चाहिए तो इस तरह के बैग ले सकते हैं। और ये देखो, ड्राइड मैंगो है, और क्या है नीचे देखो, जिंजर स्लाइसेस 3-4 नमूने के। अपने इंडिया में फल्ली की चिक्की मिलती है, मैं कई सारे दिन से यहाँ ढूंढ रहा था। यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रीनट ब्रिटल समथिंग। ये देखिए कैसी है, ज़बरदस्त, सिर्फ $1 में 100 ग्राम्स, यानी $10 में 1 किलो। पीछे से हसन का भी बैकग्राउंड आ रहा है, ज़बरदस्त। यहाँ ओट्स भी बहुत लोग खाते, तो ओट्स की भी देखो क्वांटिटी कितनी सारी है, 1 किलो से ले सकते ओट्स यहाँ पे। इंडिया में जेम्स खाते हैं ना, यहाँ पर M&M's होते हैं, उसकी भी क्वांटिटी देखो कैसी है। हर चीज़ इंडिया में तो 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये में मिलते हैं, यहाँ तो एकदम होलसेल रेट है। ये क्या, ऑलिव ऑयल के सोप्स है, ऑलिव ऑयल है, लैवेंडर है, ग्लिसरीन है। उसके अलावा ये देखो क्या क्या है, ये कॉर्न सिरप की मशीन्स है, और ये जो सबसे बेस्ट चीज़ है, पीनट बटर फ्रेश ग्राइंड होके आता है। और क्या है इसके अलावा, हनी रोस्टेड है, और ये आलमंड बटर, ये भी बहुत खाते हैं लोग। ये कई टाइप के दाल भी है यहाँ पर, हर टाइप की दाल, बीन्स, पास्तास, पूरा रैक उन चीज़ों से भरा हुआ है। ये भी देखो कितने टाइप के बटर है, अपन लोग सिर्फ एक टाइप का बटर खाते हैं। यहाँ पर क्रंची पीनट बटर, आलमंड बटर, स्मूथ पीनट बटर, कैशू बटर, कितने टाइप्स है। और ये देखो हुम्मस में भी 3 वेराइटीज़ है, ये तो पैक्ड है, मैं ये वाला ले लेता हूँ, ऑलिव्स का अच्छा दिख रहा है, हुम्मस विद ग्रीन ऑलिव्स, नॉट बैड। यहाँ पर कितने टाइप का राइस देखो, अपने पास सिर्फ एक टाइप का रहता है। यहाँ पे देखो, एक तो अपना बासमती हो गया, ये है ब्लैक राइस, उसके अलावा ये क्या है, वाइल्ड राइस, ये आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है वाइल्ड राइस का। ये है जैस्मिन राइस,
स्प्राउटेड ब्राउन एंड रेड राइस। ये देखो क्या हाथ लगा मेरे, बचपन के जो सोने के आते थे ना चॉकलेट्स, वो संतरे की गोली। इसके अलग अलग नाम रहते हैं, हम लोग तो संतरे की गोली बोलते थे। मैं किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते इसलिए इस तरह से चमचे में लेना पड़ रहा। उसके अलावा यहाँ पर कई सारे स्पाइसेस भी थे, जैसा कि अपना हो गया गरम मसाला और तंदूरी मसाला, और कई सारी चीज़ें थे। सिनेमन पाउडर था, और क्या क्रश चिल्ली है, उसके अलावा ये है सिनेमन ग्राउंड, और फिर है टेंडराइज़र, जो मीट टेंडराइज़र होता है वो भी था यहाँ पर। मेरे हिसाब से मीट टेंडराइज़र तो यूजुअली ड्राई पपाया पाउडर होता होगा। और ये हम लोग आ गए हैं बी बॉयज़। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं बॉयज़ के नाम की, हलाल गाइज है, कढ़ाई बॉयज़ है, और ये है बी बॉयज़। मेरे हिसाब से तो ये बर्गर बॉयज़ होगा इसका नाम। अब कोई थोड़े दिन में कोई अपना एच बॉयज़ भी निकाल देना हैदराबाद बॉयज़ के जैसा। यहाँ हम लोग ऑर्डर किए थे जस्टी चिकन और उसके अलावा फिली चीज़ स्टेक, दोनों भी आइटम अच्छे दिखे मेरे हिसाब से, तो अगली बार आना ज़रूरी है यहाँ पर। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह खाना, ज़बरदस्त टेस्ट था, अभी तक ज़बान पे टेस्ट है। अब ये दुकान के रेगुलर कस्टमर बन जाना पड़ता, पूरे दोस्तों के साथ सबके साथ आना पड़ता। ये वीडियो जहाँ से शुरू हुई थी ना वहीं पर ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये देखो स्टार्ट हुई थी इस माइक्रोफोन से, और अब ये जो माइक्रोफोन है एक दिन भी नहीं चला, एक दिन में ख़राब हो गया। अब इसको जाके वापस करना है, मेरे को वापस करना पसंद नहीं चीज़ें, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हम सोचते कि भाई थोड़े बहुत पैसे बचा लेंगे, बचाना मतलब भी ये भी तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये का था माइक्रोफोन, तो मैं सोचा कि भाई चलो सस्ते का कुछ लेके थोड़े दिन के बाद कुछ और अच्छा वाला लेंगे। लेकिन किस्मत में अच्छी चीज़ लिखी हुई है, तो अब ये ख़राब चीज़ वापस करना पड़ता, देखेंगे जाके ये लोग वापस लेते या नहीं। ये है देखिए दुकान, यहाँ पर से मैं इसको वापस करना है। ये बेस्ट बाय है, जैसे अपने इंडिया में है टाटा क्रोमा और अपने हैदराबाद में है बालाजी ना, तो यहाँ का बालाजी है ये। अंदर जाके देखते हैं लेते हैं नहीं लेते वापस, क्या माजरा है आखिर आज। और ये देखिए वापस करने से पहले थोड़ी चीज़ें दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये कैमरेस हो गए ना, पहले मैं ये कैमरे गिम्बल्स वगैरह कई सारी चीज़ें लेने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन आजकल क्या है छोटे छोटे चीज़ों से ही हम लोग जो है सो हर चीज़ वीडियो बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आजकल पूरी ऑब्सोलीट हो गई, कोई इन सारी चीज़ों की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो सबसे अच्छी चीज़ दिखी मेरे को यहाँ पर वो थी ये अपनी मार्शल का रेडियो, आई गेस ये लेना पड़ेगा, सस्ता भी था, सिर्फ $180 में था। हो गया भाई अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न, ये लोग रिटर्न ले लिए। हालांकि मैं जहाँ रहता हूँ ऑन्टेरियो में, यहाँ गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है रिटर्न लेने की, लेकिन फिर भी ये लोग रिटर्न ले लिए, अच्छी कस्टमर सर्विस है। और बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं होपफुली विद ए न्यू माइक्रोफोन। लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।